अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है शिप को जो है रियर करता है, या ब्रीडिंग किस तरह से उनको ब्रीडिंग किया जाता है। वहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता है, ठीक है। और आज अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से जो है वो वूल जो है फाइबर में हम प्रोसेस करता है, उसको फाइबर बनाता है, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिया गया है, देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इज़ फॉलोड टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है प्रोसेस चलता है, जिसमें जो है क्या वो वूल जो है फर्दर ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से? शीप की फ्लीस से। फ्लीस क्या होता है? फ्लीस होता है जो शीप होता है, या हमारे दूसरे एनिमल्स होता है, जिनसे हमें वूल क्या होता है, अगर वूल्स जो यील्डिंग एनिमल्स दूसरे होते हैं, उनके जो आउटर जो थिक कोट होता है हेयर का, ठीक है, हेयर का जो आउटर थिक कोट होता है वही क्या होता है, फ्लीस होता है, ठीक है। उस फ्लीस शिप के उस फ्लीस से जब हम वो वूल ऑब्टेन करता है, इसके लिए जो है एक लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस स्टेप इन डिटेल्स। इन स्टेप्स को जो है हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, शियरिंग आता है आपका, ठीक है। शियरिंग क्या होता है? शियरिंग बेसिकली होता है जब किसी चीज़ से जो है किसी भी या एनिमल्स बोलो, कोई ह्यूमंस भी के ऊपर भी हेयर होता है, ठीक है। जब उस हेयर को जो है उसके बॉडी से कट किया जाता है या उसको शेव किया जाता है, तो उसको क्या कहता है? शियरिंग कहता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व शियरिंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है आपका, शियरिंग आता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस यूजिंग स्पेशल क्लिपर इज कॉल्ड शियरिंग। शियरिंग मैंने कहा जो आउटर जो कोड होता है हेयर का, ठीक है, वही फ्लीस होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस यूजिंग ए स्पेशल क्लिपर इज कॉल्ड शियरिंग। जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, फ्लीस को, शीप के फ्लीस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है एक स्पेशल डिवाइस या क्लिपर के थ्रू, ठीक है। जो उस हेयर को कट करता है उसके थ्रू जब उस हेयर को रिमूव किया जाता है, तो उसे क्या कहता है, शियरिंग कहता है। समझ आया? शियरिंग इज डन मैनुअली विद अ रेजर और विद द हेल्प ऑफ ए शियरिंग मशीन। शियरिंग जो है किसके थ्रू, किसके हेल्प से होता है, रेजर की हेल्प से। ज़्यादातर रेजोर क्या होता है, रेजोर जो है एक डिवाइस होता है जो शेविंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देखिए, हेयर आर रिमूव्ड, नेक्स्ट देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ शियरिंग मशीन, या वो या उसको जो है रेजर से जो है रिमूव किया जाता है, या शियरिंग मशीन से जो है उसको रिमूव किया जाता है उस फ्लीस को। जनरली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर जो हेयर है उसको जो है रिमूव किया जाता है हॉट वेदर में, ठीक है। जो आपका धूप धूप के टाइम पे जो, या आपके समर टाइम में जो है, ज़्यादातर उन शीप्स की जो है वूल को रिमूव किया जाता है। क्यों? उसी टाइम में ही क्यों किया जाता है, विच इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। क्योंकि उस टाइम पे विदाउट जो उनके आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो फ्लीस है, उसके बगैर भी वो क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। अगर विंटर में आप उसका जो है फ्लीस को ओपन कर दोगे, ठीक है, या रिमूव कर दोगे, तो क्या होगा, वो लोग उनको उनका जो है बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब उनके बॉडी के अंदर जो है क्या नहीं हो पाएगा, तो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं रहेगा, तो उनके अंदर बहुत सारा क्या आएंगे, अब नॉर्मल कंडीशंस फिर से वहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन विच इज रिमूव अलॉन्ग विद फ्लीस इज डेड। देखिए, जब शेयरिंग करता है, यानी किसी शीप का जब आप उसका जो है हेयर को रिमूव करते हो, ठीक है, तब उसको जो है हर्ट बिल्कुल नहीं होता, उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होता जिसकी वजह से उसे क्या हो सके, हर्ट हो सके, ठीक है, ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो उनकी स्किन के आउटर मोस्ट लेयर है, जो स्किन जो हेयर पार्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो फ्लीस वाला पार्ट है, उसका जो वो वाला लेयर क्या होता है, डेट होता है। उस डेट स्किन जो स्किन होता है उसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है, जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज आवर हेयर डज।
इस है डस्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे उनके फ्लीस को जो है रिमूव किया, ओपन कर दिया, ठीक है, उनका जो है वहाँ से जो है रिमूव किया, इसके बाद उनके फ्लीस फिर से क्या होना स्टार्ट होता है, ग्रो होना फिर से स्टार्ट होता है। जिस तरह से हम अपने जो हेयर होता है उनको ऑफ कर देता है, उसी तरह फिर से उनका भी क्या हेयर क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हो, वहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, उस शीप की जो है वहाँ से फ्लीस को रिमूव कर रहा है, एक जो मशीन होता है शीयरिंग मशीन या रेजर होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो आज हम जो है अपने टॉपिक को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम जो है नेक्स्ट जो है स्कोरिंग सॉर्टिंग वो सब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मैं आप लोगों को जो है जैसे ही हमारा जो इंटरवल पार्ट में जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क्स भी दे दूंगा इसी लाइसेंस का, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स कुछ आप लोगों को दे दूंगा। तो तब तक के लिए तो खुदा हाफिज़।